आदमी पार्टीना संयोजक अने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवालना पत्नी सुनीता केजरीवाल द्वारा बोटाद खाते चूंटणी प्रचार अंगे रोड शो करवामां आव्यो। हालमां लोकसभानी चूंटणीनो माहोल जामी रह्यो छे त्यारे बोटादना धारासभ्य एवा उमेशभाई मकवाणाने भावनगर 15 लोकसभानी सीट पर इंडिया गठबंधन द्वारा आम आदमीनी टिकीट पर लोकसभाना उम्मेदवार तरीके जाहेर करवामां आवेल छे। त्यारे आ लोकसभा सीट पर उमेशभाई मकवाणानी जंगी बहुमतीथी जीत थाय तेवा हेतुथी चूंटणी प्रचार माटे प्रचंड रेली साथे रोड शो नुं आयोजन करवामां आव्युं हतुं, जेमां अरविंद केजरीवालना धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल तथा आम आदमी पार्टीना प्रदेश प्रमुख ईशुदान गढ़वी तेमज अन्य कार्यकरो हाजर रह्या हता। चूंटणी प्रचारनी रोड शोनी रेलीमां बोटाद कोंग्रेसना कार्यकरो तथा आम आदमी पार्टीना कार्यकरो तेमज बोटाद तालुका तथा जिल्लामांथी नागरिको उमटी पड्या हता। त्यारे आ चूंटणी प्रचारनी रेलीमां स्वयंभू रीते माणसो जोड़ाता आ लोकसभानी सीट पर उमेशभाई मकवाणानो जंगी बहुमतीथी विजय निश्चित थशे तेम इंडिया गठबंधनना कार्यकरोए विश्वास व्यक्त कर्यो हतो। तो उनकी इंसुलिन बंद कर दी, शुगर 300 से ऊपर पहुंच गई, ऐसे तो उनकी किडनी लीवर सब खराब हो जाएगा। बड़ी मुश्किल से कोर्ट में जाके परमिशन ली कि इनको इंसुलिन तो दो, इनकी शुगर तो ठीक करो। तानाशाही चल रही है सब जगह। तीन बार दिल्ली वालों ने उनको मुख्यमंत्री चुना है। आप सबने भी 5 विधायक दे दिए पहली बार के चुनाव में। इन्हीं को ये सब खटकता है कि गुजरात के लोग, दिल्ली के लोग केजरीवाल जी को इतना प्यार क्यों करते हैं। आप बताइए केजरीवाल जी का क्या कसूर है? उनका ये कसूर है कि उन्होंने दिल्ली में बिजली 24 घंटे कर दी, उन्होंने बिजली फ्री कर दी, सरकारी स्कूल अच्छे कर दिए, वहाँ पर अच्छी शिक्षा मिलती है। अब जेई में सब IIT क्लियर करते हैं अब बच्चे, वहाँ से मोहल्ला क्लिनिक बना दिए जहाँ पे अच्छा इलाज होता है, यही सब। और अभी महिलाओं को हर महीना हजार रुपया देंगे, अभी यही सब गुजरात में भी करना चाहते हैं। लेकिन इन लोगों ने चुनाव के समय में उनको जेल में डाल दिया, उनकी आवाज़ आप तक ना पहुंच पाए, इसलिए तानाशाही चरम सीमा पर चल रही है। लेकिन आपके केजरीवाल शेर है, शेर जी। आज भारत माँ की ये बेटी आपसे विनती करती है कि इस देश को बचा लो, ये देश तानाशाही की ओर जा रहा है, इसे बचा लो, इस लोकतंत्र को बचा लो। आप सब अपने वोट की ताकत को समझो, आप सब वोट देने जाएंगे, सभी को वोट जरूर जाना है और झाड़ू का बटन दबाना है। झाड़ू का बटन दबाएंगे, बटन दबेगा झाड़ू का, बटन दबेगा झाड़ू का। और उमेश भाई को आप अपना सांसद बनाएंगे, वोट देंगे उमेश भाई को, सांसद बनाएंगे, सबको वोट देने जाना है। हम सब मिलकर इस तानाशाही को हराएंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। जय हिंद।